हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाथ से कैसे हम जाने कि हमारी शादी अच्छी होगी या नहीं होगी, वो सुखमय होगा या नहीं होगा, हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा या नहीं होगा। ये बड़ा सिंपल सा ये चिन्ह है और ये बहुत ही प्राइम इंडिकेशन है। अगर आपके हाथों में भी है तो आप एकदम निश्चिंत रहें कि आपकी होने वाली पत्नी बहुत अच्छी होगी, या अगर किसी लड़की के हाथ में अगर ये चिन्ह है तो लड़का बहुत अच्छा होगा। और इन चिन्ह से सिर्फ यही बातें आप पता कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। ना एजुकेशन स्तर, ना नेचर बिहेवियर आपको इन चिन्हों से पता चलेगा कि मेरा जो होने वाला हस्बैंड या पत्नी जो होगी उसका नेचर बिहेवियर कैसा होगा और उसका एजुकेशन स्तर कैसा होगा, वो रिच फैमिली से वो होगा या होगी या मिडिल क्लास फैमिली से होगी। इन सारी बातों से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये चिन्ह सिर्फ ये बताएगा कि शादी के बाद आपस में कंपैटिबिलिटी कितना होगा। बड़ा आसान सा है, आइए सबसे पहले जाने कि ये चिन्ह पाया कहाँ जाता है। ये फिंगर, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर और हिंदी में बोलते हैं इसको तर्जनी, और ये बृहस्पति ग्रह को ये उंगली रिप्रेजेंट करता है। और इसके का जस्ट नीचे का पूरा ये एरिया, पूरा का पूरा ये एरिया जो है ये आपका पूरा का पूरा ये बृहस्पति पर्वत कहलाता है। और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि बृहस्पति कारक है ज्ञान के, बृहस्पति कारक है शादी के, बृहस्पति कारक है संतान सुख के, बृहस्पति कारक है धन के। अगर इस बृहस्पति पर्वत पे इस तरीके से दो रेखाएं आपस में क्रॉस कर जाए, हल्का सा भी, हल्की सी भी अगर रेखाएं अगर क्रॉस करी हुई है, बनी हुई है, एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, तो आप एकदम निश्चिंत रहें कि आपकी मैरिज बहुत अच्छी होगी, लड़का बहुत अच्छा मिलेगा या लड़की बहुत ही अच्छी मिलेगी, आपस में कंपैटिबल बहुत बहुत ज़्यादा रहेगा वो। ये प्राइम इंडिकेशन है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं हाथ में, लेकिन ये प्राइम इंडिकेशन है जो आप गेस कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे लड़के और लड़कियों का मैंने हाथ देखा है, और जब जब ये रेखाएं उनमें पाई गई तो मैंने देखा है कि लड़की के हाथ में अगर ये रेखा अगर है तो लड़का बहुत ही अच्छा, लड़के के हाथ में है तो लड़की बहुत ही अच्छी मिलती है। फिर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये रेखा से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आदमी का पर्सनालिटी, नेचर, बिहेवियर, व्यक्तित्व, वो रिच फैमिली से होगा, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन स्तर क्या होगा, ये सारी बातें ये रेखाएं नहीं बताएंगी। सिर्फ ये बताएंगी कि हाँ, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तब तक आप इस वीडियो को खूब अच्छे से देखिए, जज कीजिए, एनालाइज कीजिए, बहुत सारे हाथों का अगर हो सके तो आप ये देखिए, अध्ययन कीजिए, और इसी तरह आप हमारा वीडियो देखते रहिए। इसके लिए आपको बस छोटा सा चेंज करना होगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा वीडियो देखें, बहुत बहुत थैंक यू।